और है ही क्या तुम्हारे सूटों में, सेम फैशन सेम सब कुछ। ये ना मॉडर्न सोसाइटी है और यहाँ लोग शॉर्ट ड्रेसेस ही पहनते हैं। मैम आपको शॉर्ट ड्रेस पहननी है आप पहनिए, मैंने आपसे कुछ नहीं कहा, बट आप मुझसे ऐसे बात मत करिए प्लीज। अच्छा फरना, फरना क्या करेगी तुम? हाँ कल कहाँ जा रहे हैं? शाम को कल तुम जहाँ बोलो वहाँ चलते हैं। अच्छा ठीक है। ओए वो देख, लगता है अपने सोसाइटी में कोई नई आई है। तुझे कैसे पता कि नहीं है? अरे सूट पहन रखा है उसने। तो हमारी सोसाइटी में सूट कौन पहनता है? गांव की गंवार। पर ये यहाँ क्या कर रही है? क्या पता, चल इसकी क्लास लेते हैं। चल। अरे ओ बहन जी, ये तुमने क्या पहन रखा है? मतलब? मतलब ये कि हमारी सोसाइटी की इज्जत का कोई ख्याल वगैरह है या नहीं? इज्जत सोसाइटी, मैंने ऐसा क्या किया? तुमने ही तो किया है। मैम मैं समझ नहीं पा रही हूँ आप मुझसे क्या कह रही हैं। यही तो बहुत बड़ी परेशानी है। देख यहाँ के लोग ना ऐसे कपड़े नहीं पहनते, तू तो फटाफट जा और चेंज करके आ। मैम ठीक तो है, क्या प्रॉब्लम है? देख तू दिमाग मत खराब कर मेरा, सिर्फ गांव की गंवार लड़कियाँ ही ऐसे कपड़े पहन के घूमती है, इस सोसाइटी के लोग ना ऐसे छोटे कपड़े ही पहनना पसंद करते हैं। देखिए मैम मुझे नहीं लगता कि इन कपड़ों में कोई भी प्रॉब्लम है, और आप मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती हैं। ठीक है? अच्छा तो तू अब मुझसे जुबान लड़ाएगी? मैम मैं जुबान नहीं लड़ा रही हूँ, मैं आपसे सिर्फ इतना बोल रही हूँ कि मुझे नहीं लगता कि इन कपड़ों में कोई भी प्रॉब्लम है, मैं कंफर्टेबल हूँ, आई एम फाइन। देख तू समझ नहीं रही है, हमारी सोसाइटी का ना एक रूल है, ये सब VIPs रहते हैं, यहाँ लोग ऐसे कपड़े नहीं पहनते, और है ही क्या तुम्हारे सूटों में, सेम फैशन सेम सब कुछ। ये ना मॉडर्न सोसाइटी है और यहाँ लोग शॉर्ट ड्रेसेस ही पहनते हैं। मैम आपको शॉर्ट ड्रेस पहननी है आप पहनिए, मैंने आपसे कुछ नहीं कहा, बट आप मुझसे ऐसे बात मत करिए प्लीज। अच्छा फरना, फरना क्या करेगी तुम? हाँ मेरे पापा ना इस सोसाइटी के हेड है, तो मिनट में तुझे बाहर निकलवा दूँ। रुक मेरा फोन आ रहा है, अभी बताती हूँ। अरे हाँ यार कल मिल जाऊंगी। हाँ पक्का बाबा। ठीक है सही क्लास ली ना उस गंवार की? अरे मैडम क्या मस्त लग रही हो। अरे भाई ये क्या बदतमीजी है? अरे ये देख रहा है? अरे मैडम छोटे कपड़ों में कितनी मस्त लग रही हो, कहीं घुमाने ले चलूं? देखो मुझे परेशान मत करो। अच्छा अभी तो शुरू ही किया मेरी जान। ओए कहाँ भाग गई वो? देखा जिन कपड़ों का तुम मजाक बना रही थी, आज उन्हीं कपड़ों ने तुम्हारी इज्जत बचाई है। कभी भी किसी को कपड़ों से जज मत करो, क्योंकि अगर किसी ने सूट पहना है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि वो गंवार है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो अपने कल्चर और अपनी संस्कृति से प्यार करता हो और उसे वेस्टर्न ड्रेसेस पहनने में कोई इंटरेस्ट ना हो। आई एम सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने तुम्हारे कपड़ों के बारे में न जाने क्या क्या कहा, और आज उन्हीं कपड़ों की वजह से सोसाइटी में मेरी इज्जत बच पाई है। आई प्रॉमिस कि अब से मैं अपनी संस्कृति और अपने कल्चर की पूरी रिस्पेक्ट करूँगी। Don't worry, let's go. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों ने ये वीडियो देखा तो मैसेज भी समझ ही गए होंगे। हम बस आपसे ये कहना चाहते हैं कि कभी भी हमारी संस्कृति को भूले ना, अपनी संस्कृति को ना भूले। मॉडर्न ज़माने में हम सब पुरानी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, कल्चर को भूलते जा रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग ऐसा ना करें, रिस्पेक्ट करें हमारी संस्कृति की, कल्चर की। साथ ही आप लोग कमेंट करके बताइए कभी आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है, किसी ने आपके पहनावों के देख को मजाक उड़ाया हो, तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ रहा हूँ।
साथ ही हमारे इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें, फैमिली के साथ शेयर करें, क्योंकि इसमें जो मैसेज है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक को फॉलो करें। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी स्टोरी हमारे वीडियोज़ में आए, तो आप लोग अपनी स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं एक अच्छे से मॉडल के साथ। तो जल्दी से आप अपनी स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम पर भेजिए, हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक को फॉलो कीजिए। हमेशा से मुस्कुराते रहे, खुश रहे। थैंक यू।